हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरव और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स स्कूल पे। दोस्तों, अगर आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो तो आज की वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप LPU की अपनी डिग्री या फिर डिप्लोमा को ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल का आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्द से जल्दी पहुंच सके, वो भी बिना किसी देरी के। दोस्तों, अपनी डिग्री या डिप्लोमा को वेरीफाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपने वेब ब्राउजर में LPU की ऑफिशियल वेबसाइट LPU.in को ओपन करना होगा। दोस्तों, यहां पर इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा कि आप LPU के रेगुलर स्टूडेंट हैं या फिर डिस्टेंस एजुकेशन के, आप दोनों की डिग्री या डिप्लोमा यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अपने लैपटॉप से LPU की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको वेबसाइट को स्क्रोल डाउन करना है। वेबसाइट को स्क्रोल डाउन करके आपको वेबसाइट के लास्ट में जाना है और वेबसाइट के लास्ट में आपको सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करने पर न्यू टैब ओपन होगा। न्यू टैब के प्रोसेस होने पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। फर्स्ट ऑप्शन में आपको डॉक्यूमेंट की टाइप को चूज करना है, यहाँ पर मैं डिग्री को चूज कर रहा हूँ। सेकंड ऑप्शन में आपको अपना यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है। लास्ट ऑप्शन में आपको डॉक्यूमेंट नंबर को टाइप करना है जो कि आपकी डिग्री या डिप्लोमा के लास्ट में प्रिंटेड होगा। डॉक्यूमेंट नंबर को टाइप करने के बाद आपको नीचे ऑथेंटिकेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको उस बटन को प्रेस करना है। अगर आपकी डिग्री ओरिजिनल है तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें डिग्री होल्डर का नेम और डिटेल्स होंगी, लेकिन अगर आपकी डिग्री फेक है तो मैसेज डिस्प्ले होगा नो रिकॉर्ड्स फाउंड। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।